أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, 10th class, read on Surah Al-Ahzab ki verse number 41 to 44 आज हम पढ़ेंगे. तो घर में की तरफ कॉल कीजिएगा. या अय्युहल लदीना आमनु ज़ुकुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा. या अय्युहल लदीना आमनु, ऐ ईमान वालों, उज़्कुरु, तुम याद करो अल्लाह ताला को, ज़िक्रन कसीरन आगे फरमाया कि तुम कसीर का माना है कसरत से बहुत ज्यादा याद करो. और इसकी एक्सप्लेन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का तुम इतना ज्यादा जिक्र करो कि देखने वाला तुम्हें जो है वो किसी और हालत में वो समझे, वो तुम्हें मजनून समझ ले कि ये इस पार जुनून दारी है अल्लाह ताला के जिक्र का. तो फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला को कसरत से बहुत ज्यादा याद करो. और याद करने वाले हैं, ईमान वाले हैं, अल्लाह ने खुद से फरमाया है. और साथ फरमाया वसब्बिहू बुकरतन व असीला. वसब्बिहू वाव का माना और सब्बिहू उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी बयान करो. बुकरतन व असीला, बुकरतन व असीलन का माना हमारी बुक में दिया गया है, सुबह और शाम इसका तर्जमा दिया गया है. तो सीधा सेंटेंस हमारे पास सीधा तर्जमा बन जाएगा और उसकी सुबह शाम पाकी बयान करो. वसब्बिहू और उसकी तस्बीह बयान करो, पाकी बयान करो. बुकरतन व असीला, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो. अगली आयत है हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु. हुवल्लज़ी वो ज़ात, आप ये ज़ात कौन सी है, ये अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह जी इसमें मौजूद है और ये अल्लाह ताला की तरफ इसका इशारा किया जा रहा है. हुवल्लज़ी वही ज़ात है युसल्ली जो रहमत भेजता है. किस पर? युसल्ली अलैकुम तुम पर. किन पर? वो जो अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले हैं, ईमान वाले हैं और जो अल्लाह ताला की सुबह शाम पाकी बयान करने वाले हैं, अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाले हैं, उनके मुतल्लिक फरमाया वही ज़ात उन पर रहमत भेजता है. और वह मलाइकातुहु और उसके फरिश्ते, और उसके फरिश्ते को सीधा सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस पर आइए हम. अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम पर रहमत भेजते हैं. क्यों? लियुख्रिजाकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर. अब ली का माना ताबीन है. युख्रिजा इखराज से है, खारिज होना, निकलना, बाहर निकालना, एक चीज को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह मुंतकिल करने के माना भी है. लियुख्रिजा को, ताके तुम्हें निकाले, मिनस जुलुमात, जुलुमात से, अंधेरों से निकाले. कहा? इलन नूर, नूर की तरफ निकाले. आओ असी जुलुमात, जुलुमात से बात, जुलुमात का माना है लफ्ज़ी माना है अंधेरे. अब यहाँ पर अंधेरा कौन सा है? ब्रैकेट में जब हम तस्मा लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं ताके वो तुम्हें जहालत के ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ताके वो तुम्हें जहालत के अंधेरों से निकाल कर वो ले जाए कहाँ की लंदूर रोशनी की तरफ. अब रोशनी क्या है? रोशनी से मुराद अल्लाह ताला की हदायत है. ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए. और जिसको अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए,
ये उसका फजल है, उसका करम है, उसकी रहमत है। साथ ही फरमाया वकाना बिल मुमिनीना रहीमा, और अल्लाह ताला है बिल मुमिनीना मोमिनों पर रहीमन, मेहरबान है। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका फजल है, करम है कि उनको जहालत से निकाल कर अल्लाह ताला रोशनी की तरफ, नूर की तरफ, हदायत का जो नूर है उसकी तरफ अल्लाह ताला जो है उनकी रहनुमाई फरमा रहा है। और यही लोग जिन पर अल्लाह ताला का फजल व करम हो, जिन पर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी फरमाए और जिन पर अल्लाह ताला नजरे रहमत फरमाता है, इन्हीं के मुतल्लिक जब वो दुनियावी जिंदगी गुजार कर दुनिया से मुंह मोड़ कर और अपना नाता ताल्लुक सब कुछ रिश्ता इनसे तोड़ कर आलमी मर्दों की जिंदगी गुजारने के बाद जब वो आलमी आखिरत में जाता है तो उसके मुतल्लिक अल्लाह ताला ने फरमाया तहियतुहुम। तहियतुहुम का मतलब होता है दुआ, तहियतुहुम का मतलब होता है तोहफा। अब तहियतुहुम उनका तोहफा, किनका होम जो है जमीन ये जमा भी है, वो सारे जो मोमिन अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, उसकी पाकी बयान करने वाले हैं, उसकी तस्बीह बयान करने वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ दावत करता है, उन्हें हदायत का नूर अता फरमाता है, इनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया तहियतुहुम, उनके लिए तोहफा, उनके लिए दुआ होगी। कब होगी? यौमा, जिस दिन, यौमा जिस दिन यलकौनहु लिका, मुलाकात की मनानी है यलकौना, वो मिलेंगे मुंह से मुराद अल्लाह ताला की जात है, तो सीधा तर्जुमा बनेगा वो से मुराद मोमिन है, वो जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, वो मुंह से मुराद उससे यलकौन का माना है मिलेंगे। तो वो जिस दिन वो उससे किससे अल्लाह ताला से मिलेंगे, उनका तोहफा, उनकी दुआ क्या होगी? सलामुन सलाम होगा, तो अल्लाह ताला की सलामती होगी। आसिफ तलबा, अब ये हमारे लिए लवाहिया है। अब देखिए दुनिया में, दुनिया के कानून के मुताबिक अगर कोई बड़ा ऑफिसर है, बड़ा आदमी, और जो हमारी नजर में बड़ा है, अल्लाह ताला के तो सामने, अल्लाह ताला की नजर में तो सारे के सारे जो है वो बराबर है, लेकिन दुनियावी लिहाज से किसी का स्टेटस बड़ा हो, ऑफिसर हो, वो दूसरे किसी गरीब को सलाम कर दे, वो तीन तीन दिन जो है वो बड़ा खुश होता है, तो वो बताता है फला अफसर मेरे पास गुजरा, वो मुझे सलाम करके गया है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने एक हमें कामिल जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा तोहफा, एक दुआ दी है, इससे बढ़कर और बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। हर तोहफे की लिमिट होती है, लेकिन जिस पर अल्लाह ताला की सलामती नाजिल हो जाए वो बंदा जो है वो सुरखरू हो जाता है, अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब हो जाता है। तो फरमाया कि जिस दिन वो उससे उनसे अल्लाह से मिलेंगे, उनका तोहफा सलाम होगा, सलामती होगी। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तुझ पर मेरी सलामती हो, मेरी सलामती के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं। वअअद्दा लहुम अजरन करीमा, वाओ और अअद्दा तैयार कर रखा है लहुम उनके लिए अजरन करीमा, इज्जत का अजर, इज्जत की रोजी अल्लाह ताला ने उनके लिए तैयार कर रखी है। किन के लिए? उन मोमिनों के लिए जिनकी सिफात पहले अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। तो अज़ीज़ तुलबा, आज हमने सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 41-44 आज हमने पढ़ी। उम्मीद करता हूँ उसको आप अच्छी तरह से करेंगे।